नमस्कार मित्रों, अपना एकेडमी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी सीरीज के अंतर्गत लीवर की संरचना और क्रियाविधि देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें एवं यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब फ्रेंड्स, मानव के लीवर का वजन 1.5 किलो से 2 किलोग्राम तक होता है। यह गहरे धूसर रंग का होता है। यह एक गहरे गर्त द्वारा 2 खंडों में बटा रहता है। इसके निचले भाग में नाशपाति के आकार की एक छोटी सी थैली होती है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्त इस थैली में संचित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। इसके अतिरिक्त यकृत कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सक्रिय भाग लेता है तथा शरीर में उत्पन्न जीव विषों यानी टॉक्सिन्स को प्रभावहीन कर इसकी रक्षा करता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं मानव लीवर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। फ्रेंड्स, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग लीवर है। त्वचा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग लीवर ही है। यह हमारे पेट के दाहिने ओर स्थित होता है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जहरीले रसायनों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। फ्रेंड्स, लीवर के विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जैसे रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलना इत्यादि। 300 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के लीवर के कार्य हैं। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में लीवर ही एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनर्जन्म ले सकता है। यह पूरी तरह से फिर उत्पन्न हो सकता है, किंतु ऐसा करने के लिए 25% मूल ऊतक की आवश्यकता होती है। लीवर शरीर में हानिकारक विषाक्त पदार्थों से बचाता है और अनजाने में खाए गए विषाक्त भोजन के दुष्प्रभाव को भी नियंत्रित करता है। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। तो प्रश्न है हमारा, यकृत यानी लीवर विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें लीवर से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर एक है फ्रेंड्स, हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर दो, हिपेटोलॉजी। ऑप्शन तीन, एंथोलॉजी। या ऑप्शन चार, ऑटोलॉजी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी के अंतर्गत हम यकृत विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और यदि आपने अपना एकेडमी फॉर ऑल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।